जी मैं वाह 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 साहब मैं क्या कह रहे क्या कह रहे ये तो आप इतना नाच रहे गा रहे लगता है पीएसएल से आपकी टीम जीत गई है। गाली अड्डी बड़ी है गाली अड्डी बड़ी है। अच्छा कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे जिससे जीतने पे आप इतना डांस कर रहे हैं? कुड़िया पीएसएल से भी बड़ा काम किया हमने। अच्छा वो क्या किया? देखें बलोचिस्तान में 5 बंदों के साथ अपना वजीर आला बनवा लिया है। सात सेनेटरों के साथ अपना चेयरमैन सेनेट बनवा लिया है। हाँ जी अब मुझे सिर्फ 10 बंदे चाहिए। 10 बंदे मिल गए तो मैं तो वजीर आला पक्का है। हाँ जी कुड़िए ये 10 कभी इमरान खान के जलसे में गई है? हाँ चौधरी साहब क्यों नहीं, इमरान खान तो मेरे इतने फेवरेट हैं, उनके जलसे में तो मैं हर जलसे में जाती हूँ। और कभी उनके जो 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 धरना हुआ था पार्लियामेंट हाउस के सामने उसमें भी कभी गई हैं? हाँ चौधरी साहब इतना लंबा धरना चला था उसमें मैं गई थी। अच्छा यूथ के वो हैं सबके फेवरेट हैं तो मुझे क्यों नहीं पसंद? तो वो जो जलसों की जो बंदा मेजबानी करता है उसको जानती हैं? जी जी जानती हूँ, कौन नहीं जानता उनको, उनकी आवाज़ माशाल्लाह से सब उनकी आवाज़ से तो उनको पहचानते हैं। फैसल जुरे साहब जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया फैसल जुरे साहब आपके वक्त देने का। थैंक यू जी। तबीयत आपको पता है कि उम्र के साथ साथ ऐसा हो जाता है तो सुनाएं क्या क्या हाल चाल क्या आपके? ठीक ठाक चेर साहब, थैंक यू वेरी मच। हम आपको बहुत पुराना देख रहे हैं और आप ओरिजिनल से भी खान साहब तो मेरी उम्र तकरीबन बराबर ही है। आप ओरिजिनल से भी ओरिजिनल है। बाकी बात है जी सेनेटर बने तो क्या क्या महसूस क्या करते हैं? माशाल्लाह बड़ी जिद्दोजहद है आपकी, उस पर भी बात करेंगे। हाँ जी लेकिन अभी सेनेटर पाकिस्तान का रुकन होना है जी, कैसा लगता है? असल में स्ट्रगल तो इमरान खान की है, कॉज तो हमारा यही है कि जो इमरान खान ने 96 में करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू किया है उसमें जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सके अपनी तरफ से करें, क्योंकि वो वाहिद उम्मीद हैं इस मुल्क की, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो जो भी हमें उस तरफ लेके जा रही है मंजिल की तरफ, तो अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपने मंजिल की बात की है 18 से 4 22 साल हो गए तो ये मंजिल अभी आती क्यों नहीं? टाइम लगता है और स्ट्रगल जो है उसमें ऊंच नीच भी बहुत आती है। आप ये देखें कि 97 में बिल्कुल कोई सीट नहीं मिली लेकिन मर्द बोरान इमरान खान जो हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2002 में एक सीट मिली पूरे पाकिस्तान से, वो भी मियांवाली से, फिर हिम्मत नहीं हारी। 2008 में बायकॉट किया। 2013 में एक सूबे में गवर्नमेंट बनाई और पूरे पाकिस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी के तौर पर मर्ज हुए। और अब है 2018 का इलेक्शन और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अब इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह इमरान खान गवर्नमेंट बनाएंगे माशाल्लाह। अच्छा ये एक बात बताएं कि खान साहब ने तीसरी शादी की है, शादी के बाद तो बंदा घर बैठ जाता है, ये खान साहब जब से शादी की है तीसरी घर नहीं बैठ रहे, कभी मनसहरा कभी सवाबी कभी सरगोधा कभी गुजराला, एक चक्कर है। कभी भी खान साहब ने अपनी पर्सनल ज़िंदगी को जो है जिस तरह लोग हैं वो एंजॉय करते हैं, खान साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो मेहनत अपनी जारी रखे हुए हैं और उस मेहनत में उनकी अब देखें दिन ब दिन जितनी इमरान खान मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क के लिए ये आसान बात नहीं है। सुबह सवेरे निकलते हैं, रात 11-12 बजे वापस आते हैं, मेंबरशिप कैंप्स के दौरे कर रहे हैं, वर्कर्स से मिल रहे हैं, आप फिर टास्क और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इमरान खान जारी रखे हुए हैं। पब्लिक के साथ जो रबता है उसमें इमरान खान शायद ही कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान की तारीख में आया हो जो इतना पाकिस्तान पूरे में अपने वर्कर से मिला हो और गया हो, शायद ही कोई लीडर आया हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वाह 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 वाह। अच्छा फैसल भाई ये बताएं कि आप 96 से उनके साथ हैं, यानी कि शुरू से उनके साथ हैं, क्या क्या सोच कर आए? क्योंकि आपने वो बात बहुत से दोस्त आपको छोड़ कर चले गए, कोई किसी जमात में चला गया, लेकिन आप पक्के हैं? पक्के हैं। मैं तो छोटा सा था, अभी भी छोटा हूँ, जब 96 में इमरान खान ने इस पार्टी की बुनियाद रखी तो ये वैसे आपने नोट की है 22 साल तो इस जमात में हो गए हैं, कहते मैं फिर भी छोटा है, फिर भी छोटा कह रहे हैं। नहीं ये यूथ की पार्टी है ना, इनकी उम्र जो है ना वो मीरा की तरह 25 साल बाद पीछे आ जाती है। अच्छा फैसल
वो हुआ ये कि उस वक्त माँ बाप बच्चों को ना बड़ा डिस्करेज करते थे कि सियासत में ना चले जाएं, क्योंकि सियासत का ये था मंजर के लोग समझते थे कि ये बुरे लोगों का काम है, ये बड़े ही कोई ऐसे टाइप के लोगों का काम है जो कि गैर कानूनी किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, और सियासतदान जो हैं उस। लेकिन जब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली, वही माँ बाप बड़े फख्र से बताने लगे कि हमारे बच्चे इमरान खान के साथ हैं। जो तर्ज़ सियासत इमरान खान ने बड़ी मुनफरद सियासत और सही सियासत के जो माने हैं कि लोगों की खिदमत इबादत, और उसमें इमरान खान ने एक अलग किस्म की पार्टी की बुनियाद रखी, और हम जैसे जो बच्चे थे उनको बड़ा अट्रैक्ट किया ये चीज़, और फिर हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। हाँ भाई, सवाल पूछ रहा है कोई? ये बताएं फैसल साहब के कभी इमरान खान साहब से आपको डांट पड़ी है? उनके आप इतने करीब रहे वैसे। काफ़ी पड़ी है डांट। किस बात पे? लेकिन अच्छी अच्छी डांट पड़ी है, क्योंकि इधरने में अच्छा। एक दो बार मुझे वैसे मेरा रिकॉर्ड डांट पड़ने में बहुत कम है, लेकिन पड़ी बिल्कुल है, और वो धरने में एक दो जगह पे मुझसे गलती हुई थी तो वहाँ पे मुझे डांट पड़ी थी। अच्छी अच्छी बात है, मेरे में बेहतरी आई। वैसे डांटते कैसे हैं? कैसे डांटते हैं ये आप सबको पता है, आप उनकी जलसे की कोई तकलीफ उठा के सुन ले, वो जितना नवाज शरीफ को और करप्शन वालों को डांटते हैं और बताते हैं उससे पता चल जाता है कि वो कैसे डांटते होंगे। आपको भी ऐसे ही डांटते हैं? उनका देखे ना, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, मिजाज होता है। खान साहब जो हैं वो बड़ा जमहूरी कल्चर है हमारी पार्टी के अंदर, और डांट डबट कम है, लेकिन कंसेंसस से और जो कमेटी मिलके जो सारी फैसले करते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से बहस भी होती है और बातचीत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने वो नहीं बताया कि एक आम वर्कर से सेनेटर बन गए, महसूस क्या करते हैं? आम वर्कर हूँ और आम वर्कर रहूँगा, वर्कर था वर्कर रहूँगा, ख़ास महसूसमेंट जो है वो उस तरह से नहीं है। ये है कि अल्लाह से ये दुआ है कि कंट्रीब्यूट कर सकूँ। देखें, एक बहुत अहम बात है जो कानून साजी होती है अवानों में, अब पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो सारी दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है कि कैसे लॉज लाए जाएं, लॉज बना रहे हैं, लेजिस्लेशंस हो रही हैं कि किस तरह से अपने अपने मुल्कों में वो करप्शन को रिड्यूस कर सकें। हमारे यहाँ इन्हीं अवानों में ऐसी कानून साजी होती है कि किस तरह से करप्शन को प्रोटेक्ट किया जाए। एक तो फंडामेंटल हम ये गलत चले जाते हैं, और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं होता, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस होती हैं। तो ये महसूस कर रहा हूँ कि इस हवाले से अपना पूरा रोल प्ले करें जो इमरान खान का एजेंडा है, और इस मुल्क का एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज करप्शन, और बेरोजगारी है, महंगाई है, लोड शेडिंग है, लाकानूनियत है, दहशतगर्दी, ये सारे मसले एक मसले से जुड़े हैं, वो करप्शन का। जब आप करप्शन को कम करेंगे ये मसले खुद ब खुद हल होंगे। तो ऐसी कानून साजी जिस पे गरीबों पे फोकस हो, आम आवाम के लिए लेजिस्लेशंस हो, ना कि पर्सन स्पेसिफिक हो। अच्छा, जो केपीके में गवर्नमेंट मिली है तो आपने चेंजेस लाई हैं इस तरह के वहाँ पे? हमने कानून वहाँ पे लेजिस्लेशन रिकॉर्ड लेजिस्लेशंस की, हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशंस नहीं हुई और पब्लिक के लिए हुई हैं। एक चीज़ तालीम में हमने ख़ास तौर पे काम किया कि पहली बार तारीख में जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे आए हैं प्राइवेट स्कूलों से, मयारे तालीम बेहतर होने की वजह से। हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुई हैं, पुलिस की पूरे पाकिस्तान में आपको पता है बातें हो रही हैं कि सिंध वाले कहते हैं हमें खैबर पख्तूनख्वा वाली पुलिस चाहिए, आईजी सिंध खुद कहते हैं पंजाब में लोगों को चाहिए, तो केपी में पुलिस में काम हुआ है। फिर टूरिज्म पे बहुत काम हुआ है कि सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, ऊपर जो सफाई पे काम हुआ है, नथिया गली ले लें, ऊपर आप ले लें, ऐसी ऐसी वैलीज इमरान खान ने दरियाफ्त की और टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हैं, खोले थे, टूरिज्म में बहुत बेहतरी आई है। बिलियन ट्री सुनामी जो है 1 अरब दरख्त प्लस लगाए हैं जिसे आलमी सतह पर रिकॉग्नाइज किया है। आपके मुखालिफिन तो कहते हैं वो 1 अरब दरख्त नजर नहीं आते, वो किधर है, किधर है? हाँ, उनको चाहिए कि दुनिया की जो टॉप बॉडीज हैं इसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर, उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने ऑडिट करवाया है, वर्ल्ड फाउंडेशन वालों ने, एनवायरनमेंट वालों ने उसका ऑडिट करवाया है, और उस पर वो 100% हम ठीक उतरे हैं। और इसी के साथ साथ IUCN ने इसको किया है, बॉन्ड चैलेंज में हम गए हैं, अब दूसरा हमें चैलेंज मिल गया, पहला हमने कंप्लीट किया है, दूसरा हमें मिला है। तो केपी की तो बातें दुनिया में हो रही हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। लेकिन मियां साहब तो नहीं मानते ना जी? वो तो ये भी नहीं मानते थे कि उन्हें क्यों निकाला,
और वो भी जवाब उनको मिलते रहते हैं। वो कहते जाती हुई अकामे पे निकाल ली, अब बड़ा में निकाला ही नहीं। हाँ, अपनी जो सारी दौलत है बाहर वो ख़त्म करके उसे पाकिस्तान शिफ्ट करें, कौम से माफ़ी मांगें, तो फिर बात बनेगी। इस तरह तो नहीं कि आप उधर भी अपने सारे इलाज औलाद जदादें सब बाहर रखी हुई हैं और इस मुल्क में सिर्फ आप हुकूमत करने आते हैं और 300 अरब रुपये गरीबों के निकाल के बाहर शिफ्ट कर देते हैं, फिर इस किस्म के लीडर्स तो आपको नहीं चाहिए ना। अरे ये भी बताया ना कि ये जो आपने कानून साजिश की बात की, अब तो आप माशाल्लाह सरेंड में पहुंच गए हैं, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी से हाथ मिला दिया, इसमें बड़ी तनकीद हो रही है जी। उन्होंने आपने वोट दे दिया उनके डिप्टी चेयरमैन को पीपल्स पार्टी वाले को, और उन्होंने आपका अपोजिशन लीडर ही बने दिया। ये कमाल हुआ क्योंकि पीपल्स पार्टी को ऐसी चीज़ मिली है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। आखिरी मोमेंट तक, आखिरी लम्हे तक उनकी कोशिश थी कि उनका चेयरमैन आए सेनेट का। हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि ना उनका आए और ना ही PMLN का आए, और हम उसमें कामयाब हुए। कामयाब किस तरह हो गए फिर? उन्होंने आपके साथ दोनों भी नहीं की वो? नहीं, हमें देखें रियल अपोजिशन तो उन्होंने आपने उनके बंदे को वोट दे दिया है। उन्होंने रियल अपोजिशन करनी भी नहीं है। हमने चेयरमैन के लिए उनके बंदे को वोट नहीं दिया, हमने इनकार किया, हमने कहा हम वोट नहीं देंगे, और इसलिए फिर संजरानी साहब आए। और बलोचिस्तान देखें पहली बार तारीख में हुआ है, तो इमरान खान ने ऐसा कमाल काम किया है कि वो फेडरेशन सिंबल ऑफ फेडरेशन के तौर पे उभरे हैं, वो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, अलामत हैं, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करना है, और उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया इमरान खान की इस हिकमत अमली की वजह से कि बलोचिस्तान को उनके हकूक मिलेंगे और आगे भी मिलने चाहिए। सजरानी साहब जो है वो मैं कहता हूँ मेरी पार्टी का है, आप कहते हैं आपके साथ है, सरदारी कहता मेरे साथ, वो किधर आ रहा है? नहीं, संजरानी साहब की कोई पार्टी तो नहीं है। संजरानी साहब किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ज़रूर थे, लेकिन संजरानी साहब जो है एक इंडिपेंडेंट आदमी है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और हमारे नज़दीक संजरानी साहब जो हैं वो बलोचिस्तान से पहले चेयरमैन सेनेट आए, और ये बड़ी खुशाइन बात है। सेनेट में गए क्या क्या समझिएगा, बड़ा चैलेंज क्या होगा? आपने ये बात भी कही है कि नवाज शरीफ साहब कोई कानून साजी करना चाहते थे, उसको भी आपने रोक दिया, अभी आपके लिए क्या बड़ा चैलेंज है, क्या देखते हैं? देखिए, एक तो यह है कि अगर हमने नेशनल असेंबली में देखें जो अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के रहे, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, और इधर भी अब अपोजिशन लीडर जो हैं पीपल्स पार्टी लेकर आए, लेकिन हमने अपना एक अलग ग्रुप अपोजिशन का बनाया है, और आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि रियल अपोजिशन कौन कर रहा है। वो फ्रेंडली अपोजिशन करेंगे, जो उनकी तारीख है, वो नून लीग के साथ मिल के खेलते हैं। हम एक रियल अपोजिशन सेनेट में, तो सबसे बड़ा हमारा ये रोल होगा कि जो हमारा एक अलग ग्रुप है अपोजिशन का, वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, टोस पे रखे, और गरीबों के हवाले से चीज़ें करवाए। तो ये दो अपोजिशन जब हो जाएंगी तो असल गड़ी तो नकल गड़ी एक ही चलेगा, जिस तरह आप और चौधरी शुजात हैं। झूला सही मारे है, झूला सही मारे है, ठीक ही है। अच्छा, ब्रॉडकास्टर भी रहे, रेडियो भी बड़ा अच्छा काम किया, तो ये भी आपके बड़ा काम आता होगा तजर्बा। हाँ जी, पावर 99 ने, रेडियो ने मुझे सिखा दिया, रेडियो ने सिखाया कि बोलना कैसा है, और वही फिर मैं आगे मैंने जलसों में भी लेकर के गया, तो मुझे बड़ी आसानी होती थी जलसों में, क्योंकि जो आप रेडियो किया हो आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। टेलीविज़न के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी आवाज़ें हैं, न्यूज़ कास्टर्स हैं जो रेडियो से, और वो बड़े पुख्ता हुए हैं, क्योंकि रेडियो आपको बहुत कुछ सिखाता है कि बोलना कैसे है, उतार चढ़ाव कॉन्टेंट के ऊपर आपका फोकस होता है, ज़रा शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, तो आप सारा फोकस आपका होता है कि आप क्या बोल रहे हैं और उसमें सब्सटेंस क्या है। तो रेडियो बड़ी ट्रेनिंग देता है आपको, फिर आपको वो मुख्तलिफ जगहों पर काम आती है। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये जो आपने मेरे ख्याल रिकॉर्ड भी बनाया गया, 126 दिन मुसलसल आपने होस्टिंग की है। जी हाँ, ये रिकॉर्ड तो खैर इमरान खान का है कि 126 दिन तक उन्होंने धरना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी, उसमें 126 दिन में उनके साथ आप भी शामिल है जी, रोज तो सुबह सुबह उठकर नाश्ता तो करता है। हाँ, आपकी आवाज है। अब वो कंटेनर लाइफ बड़ी मजे की थी, उसमें आपको पता है 24 घंटे, 126 दिन, और 3 बजे सुबह भी तकरीर हो रही है, 5 बजे भी हो रही है फजर के बाद, और उसमें फिर अनाउंसमेंट करना, वीडियोज चलाना, लोग जो धरने में आने हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना ताकि वो बोर ना हो, आसान बात नहीं है, लेकिन पब्लिक को पूरा क्रेडिट जाता है कि वो खड़े रहे 126 दिन इमरान खान के साथ। वाह 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 वाह, ये तो खान साहब की मोहब्बत में खड़े रहे सब। गुड़िये थोड़ा क्या खड़ा होना टाइम में, मैंने भी बड़ा बोलिया है, वफा लेना है, ये तो बिन बिल को बोली जाते हैं फैसल साहब ने। नाज़रीन, सेनेटर फैसल जो हिसाब से बारी गुफ्तगू जारी रहेगी,
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये सूफी ने मुझे कुछ लिख लुख के भी दिया है और ये भी एक रिकॉर्ड है। अगर ये दो भी पी टी आई थी बड़ी नारे मारनी फैसला साहब जी, माता मैंने फोन आया कहती कि जेदा किसी पी टी आई से बंदे का फोन इंटरव्यू करना है तो फिर तो ठीक है असं देखेंगे, तो जे किसी नून लीग का करना है फिर कौन यूथ को बड़ा आपने काबू कर लिया है। हाँ जी, देखिए तहरीक इंसाफ नौजवानों की पार्टी है और दो तबके जिन जिनको सियासत से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो थे ख्वातीन और नौजवान जिनको इमरान खान ने मुतारक किया है और उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू किया है और उन्हीं ने सियासत करनी है, नौजवानों ने ही आगे सियासत करनी है। और दूसरी बात, बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान ने अवेयरनेस दी है लोगों को, इश्यूज़ के ऊपर बात की है, करप्शन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्या किधर हम गलत जा रहे हैं, पाकिस्तान को किधर लेके जाना है, ये बातें पहले कोई नहीं करता था। हर एक कहता था जी मैं आपको ये बना दूंगा, गलियां यूं कर दूंगा, लेकिन विजन कोई नहीं देता कि कौम को किधर लेके जाना है। सड़कों और पुलों से तो कौमें तरक्की नहीं करती हैं, इंसानों पर इन्वेस्टमेंट से लोग तरक्की करते हैं और वो कॉन्सेप्ट इमरान खान ने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये भी फरमाएं कि 500 से ज़्यादा जलसों में आपने होस्टिंग की है, मेज़बानी के निज़ामत कह लें, मेज़बानी कह लें, फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, ये आपने दूसरी जमातों के लिए भी एक मिसाल कायम कर दी है। हाँ, जलसों में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि एक तो वो जो आप कहते ना जी, वो सबकी जान, पूरा पाकिस्तान, इमरान खान, बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, मेरा भी दिल करता है कभी कभी पीटीआई चल जाए। हाँ, नहीं चौधरी साहब, आपका दफ्तर यहाँ करीब ही है। हम यहाँ से गुजरते होते थे 2002 में और उसके बाद फिर आप बड़े मुतारक थे उस वक्त जो पार्टी थी आपकी। ये इंतखाब कैसे, ये कहानी तो बताया ना कि ये कैसे इंतखाब कैसे किया, ये खान साहब का अपना इंतखाब था कि आपने होस्टिंग करनी है, ये आपकी अपनी चॉइस थी, ये आपने अपने आप को पेश किया? ये मेरा पैशन था। मैंने खान साहब से बात की एक दिन और मैं पहले पीछे बैठता था जलसों में और मैं फैशन तो सुना जी, पैशन क्यों है? जज्बा चौधरी साहब, शौक शौक शौक। अच्छा, गल क्लियर करनी जरूरी है जी जी, फैशन के बारे में पता, तुझे फैशन की गल करती है? नहीं, फैशन तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है जी जी। वो जलसों में फिर मिल आ गई, मिल आ गई तो जलसों में हम पीछे बैठता था और मैं देख रहा होता था, बाकी मैं चीज़ों में इन्वॉल्व था शुरू से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बोलना शुरू करूं और एक जलसों को हम इमरान खान के साथ बैठ के, क्योंकि आइडिया तो उन्हीं का था, तो हमने जलसों को एक नई शक्ल दी, उसमें हमने कुछ सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता और जिद्दत आती रही, फिर टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त आ गई कि वीडियो क्लिप्स चलाना और इंस्टेंट सारा सोशल मीडिया और ये वो, तो जलसों को पूरा पैकेज दे दिया रंगों से कि लोग जो आ रहे हैं, फैमिलीज आती हैं, वो जलसों को इन्जॉय करते हैं, मैसेज भी लेके जाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। जलसे टिपिकल सियासी जलसों को हमने चेंज कर दिया। वाह वाह वाह, अभी सेंटर बन गए हैं तो ये काम अभी भी जारी रहेगा? बिल्कुल, मैं अभी किया, पीछे भी खान साहब का गुजरात गया था मैं। अच्छा, वहाँ पे सारे जलसे किए और आइंदा भी अभी हमारा बहुत मेरे शहर से हो गए हैं गुजरात। हाँ बिल्कुल, और चौधरी साहब आप वहाँ पर देख ले, बड़ी जबरदस्त पीटीआई की शोहरत है। जी जी जी, आप यहाँ बैठे हैं, गुजरात की फिक्र जरूर करें क्योंकि गुजरात में काफी पीटीआई का बहुत जबरदस्त बन गया। परेशान नहीं होना, हुकूमत आ गई ये बहुत बड़ी कामयाबी है, टू पार्टी सिस्टम को तोड़ना और वो भी ऐसा जो बड़ा अंदर तक उनकी जड़ें थी और उसको तोड़ देना और दोनों फिर मिलके खेल रहे हैं और उनका उनका एक तो मिलाप तोड़ना और फिर उनकी पूरी, यानी पीपल्स पार्टी को आप देखें
پنجاب میں خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی بڑی لیڈنگ پارٹی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ایک نظریاتی پارٹی تھی, لیڈنگ پارٹی تھی, پورے پاکستان میں وہ سیٹیں نکال لیتے تھے, لیکن پنجاب میں اس وقت وہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں. جی جی جی. اور وہ عمران خان نے کیا ہے, اور ابھی دیکھیں یہ 2018 میں مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ بھی پنجاب سے فارغ ہو جائے گی. نہیں چوئی صاحب, میرا ووٹ ادھر کا نہیں ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر ہوگی ہے چوئی صاحب ووٹ کی, عمر کو موسٹلی جو ہے نا صرف ساتھ ہوتی ہے, ووٹ نہیں دیتی. ایک ووٹ, ایک ایک ووٹ آج کل قیمتی ہے, ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. ووٹ ڈالنے والے ان کے ساتھ ہے نا, ووٹ کے ووٹ کوئی بھی نہیں دیتا, ساتھ ان کے سب ہیں. جوتی دو رنگ دی پائیں گے تے ووٹ بھی پانا ہے چوہدری صاحب, یہ بھی فیشن ہے. اجے جڑی چیز ایج کر لو وہ فیشن ہے. یہ بات بھی ہے. اچھا جی, یہ جو آپ نے ابھی بات کی خان صاحب کی, ایک جدوجہد ہے مسلسل جاری ہے, یہ جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, آپ تو ایسے ایسے ثبوت لے کر آتے ہیں, یہ بھی کوئی سیل سول بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ بڑے کاغذات اور یہ وہ چیزیں وہ ساری وہ نکال نکول کے لے آتے ہیں منظر عام پہ؟ جی ہاں, ہمارا اینٹی کرپشن سیل ہے, ایک شفقت محمود صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا میڈیا سیل ہے, اس کو افتخار درانی صاحب ہیڈ کرتے ہیں, پھر بابر بن عطا ہیں, پھر ہمارے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہیں. تو ہمارے ٹیمز تو ہیں نا, ہماری ٹیمز ہیں جو کہ کافی زبردست کام کر رہی ہیں. اور پھر جس طرح سے نعیم بخاری صاحب نے وہ کیس لڑا پیناما کے اوپر, اور ان کی اپنی ٹیم اور ان کی بہت زبردست, یہ نعیم بخاری صاحب نے کمال کر دیا, اور ایک بہت پاکستان کے لیے ایک انتہائی ضروری, غریب آدمی کے لیے انتہائی ضروری کیس تھا وہ پیناما والا جو نعیم بخاری صاحب نے جیتا ہے. جی 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 جی. تو ٹیمز تو ہیں, اور اس میں ٹیکنالوجی کا بھی عمل دخل ضرور ہے, کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو اس کو بھی آپ لوگوں نے متعارف زیادہ کیا ہے. جی ہاں, شروع سے ہمارے والنٹیئرز بڑی پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی محبت کے لیے بڑا کام کیا سوشل میڈیا کے اوپر. ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم اتنی زبردست ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے اچھی ٹیم ہو ہی نہیں سکتی, چاہے جتنا بھی پیسہ لگا لیں نون لیگ والے, کچھ کر لیں. یہ ہمارے جو جنونی جو سوشل میڈیا کی جو ہماری ٹیم ہے, اس کو وہ نہیں ہرا سکتے. اچھا فیصل صاحب, یہ بھی فرمائیے نا کہ وہ میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو عدالتیں فیصلے دیے جا رہی ہیں, عمران خان کو وہ لاڈلا کہتے ہیں کہ وہ عدالت کا لاڈلا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ جب آپ کوئی غلط کام نہ کریں اور آپ ایک ایک چیز کا حساب دے دیں, آپ بچپن سے لے کے اب تک کی, یعنی کہ عیدیوں سے لے کر کے اب تک کی زندگی کی ایک ایک چیز آپ کی کلیئر ہو, تو پھر آپ کلیئر ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کی ہینکی پینکی ہو اور آپ ثابت نہ کر سکیں کہ وہ الحمدللہ جو لنڈن میں فلیٹس ہیں ہمارے ہیں تو کیسے ہمارے ہیں, اس کی ایک ڈاکومنٹ اگر آپ نہ دکھا سکیں, پرچیز ڈیڈ, سیلز ڈیڈ جو ہوتی ہے وہ ہی نہ دکھا سکیں, اور 300 ارب روپے کی کرپشن آپ یہ نہ بتا سکیں کہ وہ 300 ارب روپے آیا کہاں سے, کیسے گیا, تو پھر آپ کلیئر نہیں ہوتے. اس کا مطلب خان صاحب کلیئر ہیں, صادق امین سرٹیفائیڈ, حقیقت آف کورس سپریم کورٹ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ عمران خان کو جتنا بھی انہوں نے کیا, 1.5 سال تک یہ کیس چلاتے رہے, اور اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی کیس کی, صرف اس لیے کہ پیناما میں یہ پکڑے گئے اور ان کا کیس چل رہا تھا تو اس کے پیرلل رکھنے کے لیے, تاکہ میڈیا پہ یہ بات چیت کر سکیں, اس کے لیے انہوں نے ایک بلا وجہ کا کیس کیا اور اللہ نے سرخرو کیا عمران خان کو. ایک سوال پوچھ لوں میں فیصل صاحب, یہ بتائیں 2018 کے الیکشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہوتا یہ آیا ہے, ہسٹوریکلی اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو پارٹی پنجاب میں نمبر 2 پہ ہوتی تھی وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی تھی, اور پھر وہ جیت کے گورنمنٹ بناتی تھی. مثال کے طور پہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو مسلم لیگ نمبر 2 پہ ہوتی تھی پنجاب میں بائی الیکشنز اور بلدیاتی الیکشنز میں, اسی طرح اگر مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ ہوتی تھی, لیکن اس بار پچھلے 5 سال پی ٹی آئی نمبر 2 پہ ہے پنجاب میں, اور بڑے کلوز مارجن کے ساتھ. 80-90 ہزار ایوریج ووٹ ہے, اور پیپلز پارٹی کے 2 ہزار ایوریج ووٹ ہے, وہ بہت نیچے چلے گئے. تو ایک تو پی ٹی آئی نمبر 2, اور پھر نیچے دور دور تک کوئی پارٹی نہیں ہے, بہت نیچے جا کر کے آپ کو ملتی ہے. تو اوپر اگر مسلم لیگ تو نمبر 2 پہ پی ٹی آئی, تو پی ٹی آئی پنجاب میں جس کی گورنمنٹ بھی نہیں ہے وہ بائی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن میں نمبر 2 کلوز مارجن کے ساتھ ہے, تو وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے.
और आप देखेंगे जब ये केयर टेकर सेटअप बनेगा तो एक हवा चलेगी तब्दीली की, मतलब नेक्स्ट इंशाल्लाह जबरदस्त क्रेडिबल लोग होंगे, क्रेडिबल लोग मुख्तलिफ हलकों से हमारी पार्टी में आएंगे और इंशाल्लाह हम पंजाब में स्वीप करके दिखाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब इंशाल्लाह इमरान खान इस पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। मेरे को मशवरा कर लेना, बड़ा औखा काम जी। लेकिन वो एक महीने के लिए आप बने थे, 45 दिन पूरे, 45 दिन 45 दिन, अच्छा 15 दिन और थे। देख लेना बाद वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी कर गए, वरना तो आप लोग किसी को पूरी नहीं कर रहे। गुड वन, ये बात है, आपने मुद्दत पूरी की है। मुद्दत पूरी की 45 दिन दी। ये एक बात है कि आप वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने अपना मुद्दत पूरी की है। अरे फैजा साहब ये भी फरमाएं कि वो कहते हैं जब खान साहब ने कोई काम करना होता है, कोई संजीदा काम होता है, ब्याह कर लेते हैं, एक ही चक्कर है। पर्सनल मैटर है जी, इस पर मैं बात तो नहीं करूँगा। पक्की गल पर्सनल मैटर है, कोई क्या, ये क्या बात हुई, ये कोई सवाल है जो सब की हो गया? नहीं, सूफी ने किया जी, सवाल लाजमी करना है, जवाब नहीं देना चाह रहे ना। लेकिन जवाब देना चाहिए, ऐसा जाति मामला जी, चलो छोटो जी इस गालो, छोटो इस गालो। खान साहब की शादी पे सारा जमाना सुन रहा है, तुसी ब्याह कर लिया ना। उसकी वजह ये है, मैं बताता हूं, चलो जी आ जाओ, मैं बताता हूं उसकी वजह ये, इतनी बड़ी पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से बड़ी सेलिब्रिटी कोई नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, ये बात है, ये बात है, ये बात है। लेकिन इसमें जो कुछ मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने जो गलत किस्म की रिपोर्टिंग की है, जी 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 जी, उस पे सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। मैंने भी आज तो नहीं, हमारे मुल्क को ये किधर लेके जा रहे हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और इन किस्म की चीज़ों को बंद करना चाहिए। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं हम, क्योंकि हम असल इश्यूज से हट जाते हैं। हमारे एक सियासतदानों के काम में, जहन में वो गरीब आदमी, वो झोंपड़ी वाला गरीब आदमी क्यों नहीं है? कभी इधर बात हो रही है, कभी उधर बात हो रही है, मेन इश्यूज़ पे क्यों नहीं आते जिससे आपकी गुरबत का खात्मा हो पाकिस्तान में? और ये हो सकता है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को सब कुछ दिया है लेकिन अच्छे लीडर्स नहीं दिए जो यूटिलाइज़ करें। और इंशाल्लाह 2018 में इमरान खान जब जीत के आएंगे, बताएँगे कैसे इन्हीं रिसोर्स से, इन्हीं लोगों से कैसे इस मुल्क को वो आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन ये बताए, बादाम के लिए खाते जो बादाम? मैं बादाम तो कम ही खाता हूँ जी। ये सवाल बड़ा मैंने क्यों पूछा, क्यों पूछा है? जब आप होस्टिंग कर रहे होते हैं जलसे के, वो स्टेज पे खड़े होते हैं, जिस भी बंदे को आप बुलाते हैं उसके बारे में आपको तमाम मालूम होती है, कहीं ना कुछ कभी याद कर लेते हो, तमाम बादाम की गल की थी। मुझे दो चीज़ों में होता है, एक तो मेरा ऑडियंस पे रिसर्च होता है। अच्छा, हम जब क्वेटा गए या वजीरस्तान भी गए तो मैं पहले पब्लिक से पूछा, मैंने उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, वो क्या सोचते हैं क्या। तो पब्लिक जब आप बात कर रहे हैं तो आपको अपने सामीन का पता होना चाहिए कि सुनने वाला कौन है, उसको अपील करेगी आपकी बात की नहीं। हम जब वो सिंध गए तो मैंने कहा छा थे जरदारी यहीं जलसा तमाम वड्डो। वो लाड़काना में एक अजीब मंजर था और वो लोग जिस तादाद में निकले तो मैंने कहा ये है असल तब्दीली। वो लाड़काना के लोगों को जिस तरह रखा हुआ, अब वो लोग भी उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने भी अब इनके ख़िलाफ़ निकलना है जो अरसा दराज से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, अपने नारे लगवा रहे हैं जिए, ओ भाई आगे आओ, क्या कर रहे हो बताओ, गरीब लोगों के लिए क्या? वो रोटी कपड़ा मकान जो इनका नारा था वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता हमने देखा, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, बस इनकी ज़ुबान पर यह नारा बस चल रहा है। सिंध में भी इसका मतलब है इस मरतबा आप टफ टाइम देंगे? सिंध में हम बहुत अमर्ज किए हैं, हमारे जो अभी दिसंबर के महीने में जो जलसे हुए हैं सिंध में, कमाल लोग निकले हैं और लोगों ने कहा खुदा के लिए हमारी इनसे जान छुड़ाए आसिफ जरदारी से। और इसी वजह से आप खान साहब जो है ना आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, और उसका हल ये है कि उसके डॉक्टर्स अवाम है जिन्होंने इलेक्शन में वोट के जरिए ये बीमारी ख़त्म करनी है। जी हाँ, हमने नहीं दिया, मैंने आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि हमने ऐसा चीज की है हिकमत अमली कि उनका चेयरमैन ना आए और वो नहीं आया। बिलावल कहता है कि हमने ऐसी गेम खेली है कि अब इमरान खान को पता चलेगा कि हमने कर क्या दिया उसके साथ। बिलावल का एक ट्वीट आप निकाल के देखें जिसमें उन्होंने कहा ये अच्छा आइडिया है बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट लाना।
अच्छा आइडिया है। ये आइडिया किसका था? ये इमरान खान का था, उससे पहले तो आइडिया था ही नहीं। उससे पहले तो ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन जाए, उनकी ट्वीट में ये जवाब है। इसीलिए आपके लिए आप समेत 12 के 12 13 के 13 सेंटर आपने दे दिए सजानी साहब को ही। जी हाँ, बलोचिस्तान जी हाँ, हाँ पूरा हमने कोशिश की कि वहाँ से चेयरमैन है और हम उसमें कामयाब हुए, अल्लाह ने कामयाब किया। लो जी एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जाती चैट चैट होगी इनके साथ, हैं काफी जैसी गल्ला हो गई है, कोई लाइट गपशप कर ले वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। अरे वैसे भाई ये बताएं कि खाने पीने की बड़ा स्मार्ट रखे अपने आप रूम? बिल्कुल भी नहीं स्मार्ट नहीं है, खाने ही नहीं, खाने ही नहीं, काम करना है इस पे फिटनेस के ऊपर। नहीं खाता तो हूँ, बहुत ज्यादा खाता हूँ, खाना कम करना है बेसिकली। और वो ये है कि इस पे मैं बड़ा कि कार्ब्स जो हैं वो कम किए जाएं अगले 1-2 महीने के लिए, और ये जो मौसम आ रहा है ना और फिर रमजान आ रहा है बेहतरीन है, आप फिटनेस पे प्लान कर सकते हैं। ये देखिए ना, ये लोग यहाँ पे आते हैं रोज, वॉक हो रही है, वॉक हो रही है उधर, एक्सरसाइज। आपने जगह अपने इंटरव्यू के लिए सही चुनी है वैसे, हैं हाँ, ताकि मैं थोड़ा सा इधर से नेचुरल हाँ थोड़ा सा मुतासर हूँ और फिर मिले? मैं वापस यहाँ पे आऊँ और मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज करूँ और खाना कम खाऊं। और ये जो मौसम मैं बता रहा था, गर्मियों का जो मौसम है समझ में, आप अच्छा वर्कआउट प्लान कर सकते हो। फिर हमने जो जब जलसे कर रहे हैं जनरल इलेक्शन में, उसमें बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। ये उसकी तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी उसकी तैयारी, क्योंकि अब तो नॉन स्टॉप जलसे आने हैं ना, पूरे पाकिस्तान जाना है तो खान साहब के साथ, तो उसके लिए भरपूर फिट होना जरूरी है इंशाल्लाह। तो जैसे अगर खाने में पूछा जाए तो ज्यादा चीज क्या 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 शौक से खाते हैं? नंबर वन तो मैं मछली, तली हुई कांटों वाली मछली, बगैर कांटे के मछली में इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। कटहरी मछली की भी खा लेते हैं, वो माशेर है या रोहू है या चाइना है या जो ये जो मछली है, निकालने का कांटे निकालने का ये भी फन होता है ये फन होता है और मजा भी बड़ा आता है। चीज में से कांटे निकालने का तो मजा बहुत आता है, और उसमें होता ही है जिस तरह हम करप्शन के खिलाफ जंग जारी है तो हम वो निकाल रहे हैं। देखो रोटी भी करप्शन है, ऐसे ज्यादा कमाल है मछली में से। चोई साहब गाना शाना तो सुने, उसका टेस्ट अच्छा होता है कांटा वाली। ये जो आप शेर पढ़ते रहते हैं, ये खुद भी बनाते हैं या ये क्या करते हैं? नहीं नहीं खुद तो नहीं बनाता। कहाँ से आते हैं? देखिये एक तो अलामा इकबाल के काफी मटेरियल मौजूद है, वो बड़ा रेजोनेट करता है उससे। जी जी जी। और फिर किताबें पढ़ता हूँ काफ़ी, मेरे नाना अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें किताबें वगैरह देते थे पढ़ने के लिए, तो मैं वो पढ़ता था। और जलसों में मैं बस शायरी कम ही करता हूँ, वो मुझे अक्सर कहते थे किया करो, तो मैं वो यूज़ करता हूँ कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट मोमेंट्स पर। मेरा होता है टू द पॉइंट रहूँ और तकरीर करने वाले को मौका दूँ, खुद मैं कम बोलता हूँ। वो फिर पर्सनल गलां कर रहे हो तुम? ब्याह कीता जरा नहीं कीता? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ब्याह तो पूछना भी पर्सनल गल है यार, ब्याह तो पीटीआई वाले चालू पड़े ना यार। काम ना करो, नहीं मैं पूछने का मकसद ये नहीं, आप क्या केटरिंग का काम करते हैं? बहुत ज्यादा शादियों की बात कर रहे हैं आप। मैंने इस वजह से पूछा कि वो सियासी बंदा जो होता है ना, वो घर वाले टाइम नहीं देता। या आपने प्रिंटिंग प्रेस लगाया हुआ है? आपसे कार्ड छुपवाए और केटरिंग आपको दें, या फिर आप शादी की फिल्म बनाने का काम करते हैं? सारे काम कर चुके हैं, चौधरी जी ने काम छड़िया कोई नहीं। वैसे ये तो देखे इमरान खान करना पड़ता है ना। ओ बिल्कुल, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के लिए जितना आप जोर लगाना है ना, अगले खास तौर पे 4-5 महीने पूरा हमें जोर लगाना है। बाकी चीजें होती रहेंगी, शादी वादी सब कुछ, लेकिन हमने पूरा जोर लगाना है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। इमरान खान का भरपूर, इमरान खान ने अपनी सब चीज छोड़ी ना जी, इमरान खान ने अपना सब कुछ छोड़ा, वो आराम, वो दुनिया में यानी कि उनको वो टॉप क्रिकेटर रहे दुनिया के, वो आराम से एक मैगजीन में आर्टिकल लिख दें और उनका साल का खर्चा निकल आता है, वो कहीं कमेंट्री कर दें, वो इतनी आसानी से ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं रात आते हैं, आसान बात नहीं होती है। जलसे, अवामी राबता मुहिम, वर्कर से मिलना, पार्टी कितनी और चीज़ें देखना, चीज़ें किसके लिए? टाइम फारग मिल जाए तो गाने शाने भी सुनते हैं कि नहीं सुनते? ओ बिल्कुल, गाना क्यों नहीं,
म्यूज़िक में है, इंटरेस्ट तो है काफ़ी। किसको ज़्यादा सुनते हैं? देखें, एक जो हम जब रेडियो के ज़माने में शुरू में तो वो मुझे अली अजमत ने कुछ जुनून ग्रुप ने कुछ काम किया जो पाकिस्तान के उस दौर के बाकी भी बैंड्स थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने ख़ास तौर पे अलामा इकबाल की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको नौजवान वैसे नहीं पढ़ते थे तो उन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए उनको वो कॉन्सेप्ट समझ, ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है प्रसाद बदले गए, हिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो सारी चीज़ें जुनून लेकर के आया। तो मुझे वो बहुत पसंद थे जुनून बैंड। जी जी जी। और मैं सलमान अहमद से अजमत से अक्सर कहता हूँ कि आप लोग दोबारा मिलें और रिवाइव करें उसको, वो बहुत एक पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त चीज़ थी क्योंकि असल चीज़ उन्होंने की थी। और पुरानों में भी मुझे बहुत मेहदी हसन साहब को भी सुना, मलका वो जो हैं बेगम अख्तरी, वो जो हम में तुम में करार फिर एक ज़ारा मदनी, एक सिंगर है इतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, खुदा के लिए कि उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया था और साथ में उन्होंने कोक स्टूडियो के लिए भी किया, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो म्यूज़िक में सुनता हूँ। वाह जी वाह जी वाह। अच्छा, दूसरा लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं कभी मौका मिलता है? नहीं नहीं, यही खान साहब के साथ चले गए कभी वहाँ लोहतरा से उधर, 15-15 घंटे की ड्राइव, वही फिर लॉन्ग ड्राइव होती है। अच्छा, एक जलसा फिर दूसरा जलसा फिर तीसरा जलसा, अदरवाइज तो नो, इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, समझते क्या हैं कि अभी शुरू वाली बात पर दोबारा आ जाते हैं कि मंजिल की आपने बात की, अभी मंजिल को कितना और दूर देखते हैं? मंजिल करीब है पाकिस्तान, मंजिल बहुत करीब है और कुछ कामयाबी की मनाजिल तय करते करते हम उस मंजिल पे पहुंच रहे हैं जहां पाकिस्तान को करप्शन फ्री करना है, करप्शन से पाक पाकिस्तान, वो असल मंजिल है। और वो उस दिन होगा जब इस ये सामने वाली बिल्डिंग में इंशाल्लाह पार्लियामेंट हाउस में इमरान खान वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे और आप देखेंगे जैसे ही वो हल्फ उठा रहे होंगे मुल्क उसी वक्त तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाएगा। दैट इज द डेस्टिनेशन हम सब उसकी तरफ। पीटीआई वाले गुस्सा कर देते ने लड़ाई कुड़िए व्याह लगा ली, कुछ सवाल को नहीं करना नाज़रीन, व्याह दे सारे सवाल वापस। ये जो आपने पार्लियामेंट की बात की है तो खान साहब तो इस पार्लियामेंट को तो चोर भी कहा, डाकू भी कहा, आप लोगों ने इस्तीफे भी दिए, ये फिर क्या है? ये सही बात है क्योंकि अगर कोई पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी करती है जिसमें एक नाअहल शख्स को पार्टी का सदर लगा देते हैं, जहां चोरी बचाने के कानून आते हैं, जहां पर ख़त्म नबूवत के हवाले से वो तरमीम जो है उसको वो कर देते हैं, तो ऐसी पार्लियामेंट के बारे में क्या बात करें? बात है पार्लियामेंट के अमल के ऊपर। वो अब इंशाल्लाह ठीक होगा तो पार्लियामेंट ठीक होगी। जो आप देखते हैं कि इस पार्लियामेंट ने क्या किया क्या गरीब आवाम के लिए, तो फिर आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि इस पार्लियामेंट के बारे में क्या बोला जाए। और इसी पार्लियामेंट के जो वज़ीर आज़म हैं, जो सदर हैं इस पार्लियामेंट के, जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो भी इस पार्लियामेंट के बारे में बातें जो उन्होंने की हैं 3-4 दिन पहले, वो आपके सामने हैं। जहाँ उनके मतलब की चीज़ ना हो, मतलब मिसाल के तौर पर वो अपना चेयरमैन सेनेट अगर नहीं ला सके तो वो इलेक्शन को ही गलत कह रहे हैं। सही है, ठीक है ना जी। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं। अगर उनके उनके मुफाद ठीक तो जमहूरियत इनकी ठीक, नहीं ठीक तो इनकी जमहूरियत ठीक नहीं। यानी कि आमरों का साथ देने वाले, आमरों के लाए हुए प्रोडक्ट्स हैं ये, और बात ये करते हैं जमहूरियत की। इन्हें तो असल जमहूरियत का पता ही नहीं। असल जमहूरियत है कानून, इलेक्शन में जमहूरियत थोड़ी है। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत होती तो जिम्बाब्वे में भी बड़ी ज़बरदस्त जमहूरियत होनी थी। मसला ये है कि जमहूरियत है कानून की बालादस्ती, इंसाफ सबके लिए बराबर, क्यों निकाला की दास्तानें जो हैं वो जमहूरियत की नफ़ी करती हैं ऐसी चीज़ें। ऑल इन ऑल है हम अमीरुल मोमिनीन बन जाएँ, हम 18वीं तरमीम ला के 15वीं तरमीम जो भी थी वो, हाँ आपको तो याद है जी साहब आपके ज़माने जी, वो गवर्नमेंट चली गई थी उनकी, इस किस्म की चीज़ें कि मैं जो मर्जी करूँ, मेरे लिए ना कोई कानून हो, ना मुझे कोई पूछने वाला हो, ना मुझे कोई जज पूछ सके, मेरी मर्जी है, ये जमहूरियत है। अब अमीर आदमी हैं माशाल्लाह, सादा तबीयत के भी लगते हैं, कोई आप में हमने कोई टॉर टूर को नखराड़ी हमने देखा, नीचे से ऊपर गए हैं, समझते क्या है कि आप अगर हुकूमत में आ गए तो सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए? देखें, इमरान खान हुकूमत में आएंगे ना, सबसे पहले
वो इस मुल्क में और जो उन्होंने किया है केपी में वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे। आपने कहा ना तबीयत है ये, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, ये इमरान खान ने हमारी ट्रेनिंग ऐसी की है, वो खुद बड़े मलंग आदमी है इस हवाले से। ये जो हम आते हैं और सरकारी मरात लेनी और ये चीज़ें और एक वो प्रोग्राम और भरमबाजी के जी देखें, उस चीज़ को इंजॉय करते हैं, इंसान फिर बदल सा जाता है, वो अपने असल से फिर उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता। क्या बात है, ऑफिसर की थी जब आप तर्ज हुकूमत सादगी लेकर के आएंगे, ये ख़त्म कर देंगे गवर्नर हाउसेज और ये चीज़ें, तो एक गरीब आदमी को मैसेज आएगा कि ये हम में से हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, ये करेंगे करेंगे ना। अभी हमारे पता नहीं अगर कोई मिनिस्टर भी आया होगा वॉक करने के लिए, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी साथ। परवेज खटक साहब को देखें आप, इस तरह से अपना वो चलते हैं ये। आप बाकी देखेंगे अभी कोई गुजरा है मिनिस्टर नून लीग का, आप वो तो गाड़ियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी, आठ आठ गाड़ियाँ पीछे, इधर जाना है अगर कहीं छोटे से काम के लिए भी तो पूरा उसमें फ्यूल लग रहा है, उसमें स्टाफ मूव कर रहा है, उसमें हर चीज़ हो रही है, वो पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है। तो ये आपका बुनियादी मोटो यही है कि जनाब ये वीआईपी कल्चर खत्म करना है। हाँ, करप्शन के साथ साथ वीआईपी कल्चर भी खत्म। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी गवर्नमेंट है, उधर तो गवर्नर उंजदा उंजी है। वो गवर्नर हमारे नहीं है ना, वो तो नून लीग के गवर्नर है, वफाक है। हाँ, तो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो जो वफाक के गवर्नर होंगे तो हम वो चेंज करेंगे, गवर्नर हाउसेस को आवाम के लिए पार्क्स बना देंगे या गेस्ट हाउसेस बना देंगे, खोल देंगे। एनेक्सी में रहते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस, केपी जो है चीफ मिनिस्टर हमारे जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में थोड़ी रहते हैं, वो एनेक्सी में रहते हैं। जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कभी परेशानी लगी हो, दुख तकलीफ हो, क्या करते हैं? हाँ, देखें अल्लाह ताला से ही रुजू करते हैं, और इंसान की एक बड़ी अजीब सी फितरत है, जब इंसान खुश होता है ना तो वो अल्लाह को भूल जाता है, और जब मुसीबत पड़ती है ना तो फिर अल्लाह के पास चला जाता है। तो इंसान तो बड़ा मतलबी है, और कुरान पाक में भी है कि दर हकीकत इंसान ना शुक्र है, इंडीड ह्यूमन काइंड इज़ थैंकलेस। सो द प्रॉब्लम इज़ के अनग्रेटफुल, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह ऑल द टाइम, जब खुशी हो तब भी और जब दुख हो तब भी। अच्छा, एक आपने बात की कि ये जो क्राउड होता है, आप चार्ज भी करते हैं क्राउड को, और आप ये भी देख रहे हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक क्राउड आपके साथ चलता है, ये भी कहते प्रैक्टिस करते हैं पहले कि नहीं जी सीधा लाइव काम शुरू हो गया है? नहीं, सीधा लाइव जी। अच्छा, हाँ सीधा लाइव। क्या बात है। और प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, इतने जलसे में टाइम मिले तो प्रैक्टिस करें, एक के बाद दूसरा जलसा दूसरे, वो प्रैक्टिस ही जलसों में। मैंने कहा मेरे तरह चार वर्के फड़ के शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हो। चोई साहब, मैं तो पूरी तैयारी करता हूँ शीशे के सामने खड़े। नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है जो आप करते हैं, वो बड़ा आसान काम है जो मैं करता हूँ, स्टेज पे जाके बस माइक पे बोलना। आप तो जो है ना जुमले बड़े औखे होके बोलते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहते। तो ये सब एक बात तो बताएं। जी जी, पीटीआई में तो नहीं शामिल होने लगे? नहीं, 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 मुझे तो आज आप मौका ही नहीं दे रहे, पीटीआई वालों के ऐसे दीवाने निकले आप अंदर से। मैंने इसी वजह से आपको मौका नहीं दिया की दूसरी तरह पहले पीटीआई थी, तुम भी पीटीआई थी, वो भी पीटीआई थी, मैंने कला चौधरी मारा गया, यही बात भी है ना। अच्छा जी, फैसल जुवेद को अगर हम कहें कि फैसल जुवेद क्या है, क्या बोलेगा अपने बारे में? कुछ भी नहीं, आम सा आदमी हूँ और आम सा ही रहना चाहता हूँ, और ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इंसान जो है वो बड़ा आदमी बने ना बने ये मैटर नहीं करता, अजीम आदमी बने। अजीम आदमी और बड़ा आदमी में फ़र्क है ना। बड़ा आदमी जो है वो देखे ना, नवाज शरीफ बड़ा आदमी है, लेकिन अजीम है कि नहीं, ये बात मैटर करती है। आपने उसको अजीम रहने नहीं दिया है, ऐसे उसके कारनामे आप लेकर आए। हमने वजारत उज़्मा पे नहीं रहने दिया है। उनके एक वजीर किसी बंदे का वजारत उज़्मा पे जाके अजीम होना वो निशानी नहीं है। अरे ये बताएं, जो चौधरी साहब तुम्हारे वाले आ रहे हैं, तुसी आ रहे हो? मैं तो आना नहीं, मेरे तो दादा आपके साथ होना ही होना है, ये देख लेना। मैं तुम्हें पक्की गल दस रहा है, चौधरी निसार साहब को वैसे आ जाना चाहिए पीटीआई में। खान साहब ने ऑफर भी की मेरे ख्याल में, उनको हर वक्त दरवाजे खुले हैं चौधरी निसार साहब जो हैं, उनके साथ जो उधर हुआ है और उसके बाद तो उनको पीटीआई में आना चाहिए। और वैसे भी मैं बताऊं, अवाम में बहुत मकबूल होंगे चौधरी निसार अगर वो पीटीआई में आते हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल होंगे। क्या बात है, अभी भी बहुत मकबूल हैं, लेकिन जब वो पीटीआई में आ जाएंगे दैन वो आप देखिएगा कि चौधरी निसार को एक नई तरह की मकबूलियत मिलेगी, जो बहुत क्लास की होगी, टॉप की होगी। और चौधरी निसार जो हैं
उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून में हो रहा है, उन जैसे इतने पुराने जो कि हर मैदान में लड़ने वाले वो थे, और उनके साथ उन्होंने उनके जूनियर्स को ला के ऊपर खड़ा कर दिया, और वो जो तारीफ़ें करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, जो उनका एक गैंग है पूरा, वो आके मियाँ साहब की तारीफ़ें कर 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 के, कोई मेरिट नहीं, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं, सिर्फ एक है कि सुप्रीम कोर्ट पहुँच के झूठ बोलना है, आपने मियाँ साहब की करप्शन को डिफेंड करना है, वट एवर इट टेक्स, और उसके बदले आपको वजारतें मिल जाएँ, इस किस्म की सियासत तो चौधरी निसार नहीं करना चाहते, और पीटीआई में इसकी ऐसी सियासत है ही नहीं। क्या बात है, क्या पीटीआई में उनका एक मकाम होगा और पब्लिक में उनकी बड़ी वो होगी। टाइम हो गया है, एक वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, जब आप खान साहब को बुलाते हैं वो जरा कैमरे की तरफ देख रहे, वो बोले बस, वो बोले बस, वो है पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे, वेल डन जी, फैसल जवेद साहब, बल्कि सेक्रेटरी फैसल जवेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जवेद साहब, खुले डुले माहौल में खुली डुली बातें की हैं, व्यार ये गला से तुसी नाराज हो गए हो, तो व्यार ये गला नहीं, वो रोटी आपने खानी होगी। हाँ देखिए, रोटी छोटी नाजी ने बहुत लेट पहुंचे आपकी बात पे, वो वैसे वैसे ही हमारा पूरा इम्तियाज है, तो खान साहब के तारीफ के साथ जो उन्होंने नारा शारा लगा दिया, उनको बुला भी लिया, खान साहब का पता भी कौन नहीं थे, वाह करना आ जाए।